आपका क्वेश्चन है, अ हैवी कार ए ऑफ मास 200 kg ट्रेवलिंग एट 10 m/s हैज अ हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्पोर्ट्स कार बी ऑफ मास 500 kg। इफ बोथ कार्स स्टॉप डेड ऑन कोलिजन, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बी? नाउ तो इसके अंदर देखो, आपके पास में क्या है, देयर आर टू कार्स। तो कार ए एंड कार बी, तो अब इसके मेजर्स क्या दे रखे हैं वो हम लिखते हैं। तो पहले कार ए का है मास इज 2000 kg, मास 2000 kg। फिर क्या दे रखा है, स्पीड है ना, 10 m/s, दैट मीन्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज 10 m/s। और क्या दे रखा है, कोलिजन विथ अ स्पोर्ट्स कार बी ऑफ मास 500 kg। तो ये आपका है 500 kg, ठीक है। नाउ अब देखो इसने क्या कहा, इफ बोथ कार्स स्टॉप्स डेड ऑन कोलिजन, तो वी नो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है हमारा, बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो कार ए का टोटल मोमेंटम इज, और मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आपका क्या हो गया, देखो 2000 × 10 प्लस बिफोर वाला लिख रहे हैं हम पहले, और 500 × v, वी आर नॉट नोइंग, हमने इसको ले लिया v, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम। तो हमारा देखो मास विल नॉट गेट चेंज्ड, है ना। तो हमारा मास देखो, टोटल मास कितना हो गया, 2000 + 500, दैट मीन्स 2500 × ना वेलोसिटी इज एट डेड एंड, है ना, स्टॉप हो गया, डेड हो गया, दैट मीन्स जीरो। बस इतना ही करना है हमको। तो ये कितना आ गया आपका, देखो 20,000 + 500 V इज ना, तो ये 20,000 को राइट साइड में लेकर आओ, इट विल बिकम -20,000। तो ये आपका क्या आ गया, देखो 500 V इज इक्वल टू -20,000, ठीक है। तो V इज इक्वल टू -20,000 / 500, कट करो, 0 0 0 0 गॉन, 5 से कट किया तो ये हमारा आ गया -40। तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज -40 m/s। तो वेलोसिटी इज 40 m/s, वी कैन से 40 m/s, और माइनस साइन इज दैट, दैट मीन्स दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तभी हमारा ये माइनस साइन आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना है।